गाइस हाय, सो ब्लैक बटरफ्लाई 2017 मूवी डायरेक्टेड बाय ब्रायन गुडमैन, स्टारिंग जॉन मायर्स, जॉन डीज मायर्स एंड एंटोनियो बैंडरास. ओके, द प्लॉट ऑफ द स्टोरी, इट्स अ साइको थ्रिलर. द प्लॉट ऑफ द स्टोरी इज दैट वन राइटर हु हैज लॉस्ट हिज वे एंड हिज काइंड ऑफ ऑफ द ट्रैक फ्रॉम हिज करियर. ही इज अ हिट राइटर, ही इज ट्राइंग टू राइट सम स्टोरी. And for that, he is taking a break. He is gone and staying in the woods in one cabin. And somehow this hitchhiker, John Rhys Meyers character, introduced with him, bump into him, and they start to live along in that cabin in that wood. Now, from here, how the story moves along is the whole story of Black Butterfly. अब बात करेंगे मूवी के प्लॉट के बारे में, सॉरी वो मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, मूवी के रन टाइम के बारे में एंड हाउ किस तरह से मूवी आगे बढ़ती है. तो ये बात है कि ऐसी जो मूवीज है, मतलब छोटी छोटी शॉर्ट बजट मूवीज, एरिजोना रहने दो, फिर उसके बाद में बीच में आई हुई बहुत सारी छोटी छोटी मूवीज, मैं नाम भूल जाता हूँ, सॉरी फॉर दैट. ऐसी मूवीज में एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहता है और वो ये है कि आपको वो कुछ इंसाइट देती है, कुछ उस सिचुएशन के बारे में, उस ह्यूमन कंडीशन के बारे में. बहुत सारी मूवीज आती है और आके चली जाती है, जो बड़ा एक कंग्लैमरन टाइप ऑफ एक मेंटेलिटी है ना व्यूअर्स की, या फिर इवन इंडस्ट्री कैपिटलिज्म की वजह से जो मूवी प्रमोट करने का जो एक वे है हमारी कंट्री में, उसमें इस तरह से हो जाता है कि हर एक कंट्री में वैसे ही है, उसमें इस तरह से ऐसे हो जाता है कि ये इस टाइप की मूवीज थोड़ी सी पीछे छूट जाती है. हाँ, ऐसी मूवीज में बहुत सारे क्या बोलेंगे, मिसिंग प्लॉट्स है, बहुत सारे फ्लॉज है, बहुत सारे क्या बोलेंगे इसको, फ्लॉज, या बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम कहेंगे नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट समहाउ ऑल टूगेदर फिनिक्स ओरेगन, या फिनिक्स ओरेगन वन ऑफ माई फेवरेट मूवी, समहाउ होल मूवी मेक्स अ परफेक्ट सेंस एंड इट मेक्स गुड एंटरटेनमेंट. जब भी मैं आजकल के साइको थ्रिलर्स देखता हूँ, 2020 में, स्पेशल 2020 में, मतलब फिर मैं देखता हूँ, ओके ब्लैक बटरफ्लाई मैंने देखी, देन आई थॉट ओके इट वॉज एक्चुअली गुड. मुझे पहले लगा था कि नहीं यार, फर्स्ट टाइम मैंने जब मूवी देखी थी, ये क्या दिखा दे, पागलपन है, ऐसा नहीं हो सकता. बट देन वेन आई एम सीइंग टूडेज मूवीज एंड वेन आई सी Black Butterfly, I think it's good movie. Okay, तो मूवी का जो प्लॉट है, जो मूवी जिस तरह से इस प्लॉट के अराउंड घूमती है कि एक पर्सन है कि वुड में रह रहा है, वो राइटर है, अपनी स्टोरी लिख रहा है, और उसी टाइम पे उसके साथ में अनदर वन एक कैरेक्टर इंटरेक्ट हो जाता है, जो जॉन रीज मायर्स ने प्ले किया है. वो दोनों किस तरह से एक साथ रहते हैं उस घर में रहते टाइम, उस तरह किस तरह की सिचुएशंस आते हैं, उनके बीच की इंटरेक्शंस, उनके बीच की इंटीमेशन, एंड एट द सेम टाइम बाकी के सारे जो प्लॉट्स हैं, जो साइकोलॉजिकल जो प्लॉट्स हैं, वो किस तरह से मूवी में ऐड होते हैं, एंड ऐड होते 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 सबसे बड़ा अगर इस मूवी का वर्स्ट पॉइंट कुछ होगा तो उसके एंडिंग, मतलब परफेक्टली मूवी जाती है एंड तक. एक्चुअल में जो एंटोनियो बैंडरास ने कैरेक्टर प्ले किया है वो है एक साइको किलर का, और उसी को रिवील करने के लिए ये जो जॉन डीज मायर्स का कैरेक्टर आया है वो एक्चुअली एक एफबीआई एजेंट है, और उसकी पूरी की पूरी टीम है, वो लोग सारे के सारे मिलकर इस केस को सॉल्व करने का ट्राई करें, और उसी के लिए पूरा का पूरा प्लॉट प्ले किया गया है, जो कि है हमारी मूवी पूरी की पूरी, जो स्क्रीन प्ले पूरा का पूरा. मूवी में एक्टिंग फैंटास्टिक है, सारे के सारे एक्टर्स, मतलब एक चीज होती है इन मूवीज के बारे में कि कुछ एंडिंग अच्छा है नहीं है, हैप्पी एंडिंग है नहीं है, या फिर कुछ व्हाटएवर, बट जो एक्टिंग रहती है उन लोगों की, जो मतलब रियलिस्टिक उस मोल्ड में पूरे से ढल के जो जिस तरह से वो लोग प्रेजेंट करते ना, इट्स अमेजिंग, इट्स फैंटास्टिक, दैट्स व्हाट कॉल्ड एक्टिंग. मैंने प्रीवियसली द रिजम सेक्शन के रिव्यू में भी कहा था कि
हम क्यों मूवी देखते हैं या फिर कोई भी स्क्रीन पर क्यों देखते हैं, क्योंकि हम उसके बारे में केयर करते हैं, क्योंकि हम उसके बारे में सोचते क्लियरली, इट माइट बी गुड, इट माइट बी अ गुड थिंग टू वॉच, ऐसे हम सोचते हैं। सो हम उस मूवी को या फिर उस स्टोरी को देखते हैं। तो सेम थिंग यहाँ पे है कि कभी कभी केयर करते हो, कभी कभी नहीं करते हो, करते हो केयर, करते हो नहीं करते हो, ऐसे होते होते। एंड जो मूवी का एक एम्बियंट रहता है, पूरा का पूरा जो एटमोसफियर है इसका, बहुत अच्छा है, कम्फर्टिंग है टू वॉच ऑल्सो, वो एक अनदर प्लस पॉइंट है। जस्ट इसका एक ही सबसे बड़ा बैड पॉइंट है एंड ड्रॉबैक मैं कहूंगा जिसको, ये उसका एंडिंग, इस दी शिटेस्ट एंडिंग यू विल सी एंड यू से व्हाट द फक दे डिड एट द एंड, ऐसा हम सोचेंगे। सो यही कहना था मुझे। ऐसी जो मूवीज है, अगर आप मूवीज ऐसे देखते हो तो मुझे जरूर बताना। और आई विश पीपल ऑल्सो वॉच दिस टाइप ऑफ मूवीज मोर, जिसमें कुछ एस्पेक्ट्स है, कुछ सोशल एस्पेक्ट्स के ऊपर बात किया गया है, कुछ बहुत अच्छी एक्टिंग है एंड एट द सेम टाइम इट्स काइंड ऑफ लैगी। हर एक मूवी, हर एक क्रिएटिविटी थोड़ा ना बहुत यहाँ वहाँ लैग करती है। देयर इज नथिंग एज सच एज परफेक्शन और समथिंग लाइक दैट, एवरीथिंग लैग्स अ बिट एंड इट्स दैट मूवी। आई लाइक द मूवी, आई एंजॉयड द मूवी एंड व्हेन आई सीन इन 2018 आई थॉट व्हाट द फक दे आर शोइंग, बट व्हेन आई सी इट टुडे, आई सी ऑल द थ्रिलर्स एंड एवरीथिंग इन टुडेज स्टैंडर्ड्स, आई थिंक it was a good movie, it's a good movie, not it was, it's a good man. Andrew Bender is, Antonio Bender is, I want to watch his all movies, he's a fantastic actor, I heard a lot about him, and that's it. Do watch Arizona 2019, it's about real estate, and how real estate is failing. Then Phoenix Oregon 2018 or 19 ki movie hai, it's about to friends and how they built their careers later in their age, and it's a good watch. Same way abhi recently abhi me movie hai an American Pickle karke hai, wo ek achhi hai. There are a lot of movies, I don't remember most of the time when I try to shoot it, but yeah, they are there. Do watch it and let me know in comment box. Milte next video, peace.